मिशन जमीन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने पार्ट वन आपको ख़त्म कर दिया है। आप हम बता सकते हैं कि पार्ट वन में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है, चलिए हम देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने फिजिकल चेंज वर्सेज केमिकल चेंज पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किस तरीके से हम बनाते हैं वो आज हम जानेंगे। ये है पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है लेक्चर का तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आप पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? हालांकि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि डेफिनेशन क्या है, लेकिन मैं आपको दूसरे डेफिनेशन दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो जो रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, इस प्रोसेस को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सबसे सिंपल लैंग्वेज में है, यानी रिएक्टेंट जो है आपका क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? रिएक्टेंट ये देखिए, जैसे आपका ये आयरन है, आयरन हो गया, आयरन और ये क्या है, सल्फर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो आयरन और सल्फर है, इसे हम क्या करेंगे, पूरे पार्ट को हम इसे रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। अब ये क्या चीज़ है, तो रिएक्टेंट के प्रोसेस होने के बाद जो बनता है, हमें जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिल, फाइनली जो हमें चीज़ मिलता है वो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो ला पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आयरन को सल्फर से, आयरन और सल्फर को हमने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, आयरन सल्फाइड। आयरन और सल्फर को हम अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें आयरन सल्फाइड मिलेगा। ये एस क्यों लिखा है, एस का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। इसका हम सिंबल भी आपको बताएंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड इक्वेशन में, आप देखिए पहला पॉइंट देखिए, जैसे ये आपका मैग्नीशियम है, दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन है, इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और ये जो साइड होता है LHS साइड होता है, और जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से, तो ये बन जाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि प्रोडक्ट होता है, और ये RHS साइड में होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में किस तरीके से रिएक्शन होता है, तो आप देख सकते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम हो गया और ये दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये बन जाता है आपका MgO। आपको ये क्लियर है कि नहीं, मैं आपको पहले ही पूछ लेता हूँ। जैसे ये 2O2 लिखा है, टू ये पर देखिए आप 2O लिखा है, 2O लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, O2 इसे कहते हैं हम लोग। तो ये आपका दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इसे हम कहेंगे। ये आप याद रखिए, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और इसे हम क्या कहेंगे, 2Mg अगर ये आगे लगा हो तो इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ टू एटम इन मैग्नीशियम, दो एटम मैग्नीशियम का कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कहेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन करेंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट में मिलता है। चलिए इसका हम बैलेंसिंग करवाते हैं। बैलेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट बैलेंसिंग नहीं समझ पाते हैं, और जबकि जामिया में या एमयू में ये पूछता है, बैलेंसिंग करके ही पूछता है, या फिर आपको पूछेगा कि इसमें क्या लगेगा, कॉम्पिटिशन में ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। द सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट LHS साइड एंड RHS साइड ऑफ द इक्वेशन, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वो LHS साइड में होना चाहिए, उतना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो बनेगा वो RHS साइड में होना चाहिए। अब जैसे इक्वेशन में हम करते हैं, केमिकल इक्वेशन में एग्जांपल नंबर वन है, जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए LHS साइड में मैग्नीशियम में कितना है, एटम एक है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है, दो है, ठीक है। मैं RHS में यानी राइट हैंड साइड में, यानी इसके आप देख लेते हैं, तो मैग्नीशियम का एक है और ऑक्सीजन का एक है, ठीक। अब इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो ये क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ये आप हमें बताइए। चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है कि नहीं है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, LHS देखिए मैग्नीशियम कितना है, एक है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है, तो 2×1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम का देख लेते हैं, तो मैग्नीशियम क्या है, एक है, कहीं मॉलिक्यूल और एटम दिखते रहे हैं तो एक हम मानते हैं, 1 मानते हैं, तो 1 हो गया मैग्नीशियम का। और ऑक्सीजन का देख लीजिए, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, 2 होना चाहिए, तो 1×2। तो अब देख लेते हैं आगे, हम देखते हैं अभी इक्वेशन पूरा नहीं हुआ है, हम पूरा देख लेते हैं। तो Mg प्लस O2 2MgO, तो क्या ये जो है बैलेंसिंग है या नहीं है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं, ये बैलेंस है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, ये आपका हो गया Mg प्लस O2 2MgO, तो क्या ये बैलेंसिंग है या नहीं है। तो चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं, मैग्नीशियम कितना है, 1 है,
क्योंकि यहाँ पर ना एटम लिखा है ना मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये एक हम मानेंगे। ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दो हैं, तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो टू इंटू वन, आप तो बताया था आपको कि टू होता है। अब इधर आर एच एस साइड में देख लेते हैं, एल एच एस साइड का था, अब आर एच एस साइड में अगर हम देखते हैं, आर एच एस साइड में जो है आपका कितना है, मैग्नीशियम कितना है, टू से। देखिए एम जी ओ जब भी आप यहाँ पर अगर लिखा हो, तो अगर टू यहाँ पे लगा है एटम, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका मतलब कि टू से मल्टीप्लाई है मैग्नीशियम से भी और टू से मल्टीप्लाई है ऑक्सीजन से भी। तो कितना हो गया, मैग्नीशियम भी टू कहलाएगा और ऑक्सीजन भी टू कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फिर। अब एल एच एस देखिए टू है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी दो है। अब आर एच एस में भी देख लीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम के दो है और ऑक्सीजन के दो है। तो देखिए अब टू एम जी प्लस ओ टू इक्वल टू टू एम जी ओ, तो अब जाकर ये क्या हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस हुआ। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, तब आपको समझ में आएगा या आपको आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 2mg प्लस O2 क्या होगा आपका 2MgO हो गया। तो यह था आपका बैलेंसिंग इक्वेशन जो कि क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन। अब ये क्या चीज़ है, ये कुछ सिंपल है, सिंबल है, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, फिजिकल स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो हमें आपको बताएंगे। अब आप देख सकते हैं सॉलिड, सॉलिड को हम देखिए क्या होता है कि जैसे आप मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैग्नीशियम में क्या, आप तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, मैग्नीशियम और ब्रैकेट में एस ओ एल आई डी सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो इसका हम रिप्रेजेंट एक एलिमेंट के तौर पे एस हम बना देते हैं, जैसे कि आप सॉलिड है तो सॉलिड क्या हम बना देंगे, एस बना देंगे उसकी जगह पे। तो जैसे अगर हम लिखना भी होगा तो मैग्नीशियम लिखेंगे और मैग्नीशियम को ब्रैकेट करके एस लगा देंगे, ताकि हम पे ये सॉलिड है। तो सॉलिड का हमें रिप्रेजेंटेशन जो है उसे एस से करते हैं, ठीक है। लिक्विड का हम क्या करेंगे, एल से करेंगे, ये आप देख सकते हैं। लिक्विड का हम क्या करते हैं, एल से करेंगे। लिक्विड गैस का अगर हो तो जी से, और ये देखिए ऊपर एरो की तरफ है, यानी गैस बाहर निकल रहा है, ये याद रखिएगा। वाटर सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस, ए क्यू जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वस। वाटर सॉल्यूशन जब भी आप देखेंगे, सॉल्युबल सॉल्यूशन, तो वो ए क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम कहते हैं एक्वस। प्रेसिपिटेट होगा तो उसको हम इस तरीके से डाउन एरो का रिप्रेजेंटेशन होता है। बाय का रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, तो ये आपका इंडिकेट करता है अबव और बिलो द एरो, एरो से अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब रहा बात हीट की, तो हीट को हम ट्रायंगल की तरह दिखाते हैं, तो इसे हम हीट कहते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर भी है क्या चीज़, ये ऐसे है, इसे हम क्या कहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, ये कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका है 3Fe, यानी आयरन के 3 एटम्स हैं, ये S लिखा है तो S का मतलब सॉलिड हो गया। 4H2 है, वाटर के 4 एटम है, तो ये L का मतलब हो गया आपका लिक्विड। और ये देखिए फिर आयरन ऑक्साइड की जो बनाया, ये S हो गया आपका, तो ये आपका S जो है आपका क्या है, सॉलिड। और ये H2 है, H2 देखिए बाहर की तरफ है, यानी आपको ये बाहर रिलीज़ हो रहा है वाटर, हाइड्रोजन जो है आपका बाहर रिलीज़ हो रहा है। ये CO है, तो ये क्या आपका गैस है, 2H2 है, ये भी आपका गैस है। CH3OH है, तो ये आपका लिक्विड है। तो ये मैं आपको रिप्रेजेंटेशन जो था उस वक्त बता रहा हूँ, ऐसे ये कोई रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सिंबल को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उस तरीके मैं आपको बताया हूँ। बाकी का हम कल पार्ट 3 में टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एएमयू से हर साल 11th एंट्रेंस में, मैं बता दूं कि दो क्वेश्चन आते ही हैं, और जामिया में भी क्लास 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा में एक से दो क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो है आपको नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बाकी का अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया है कुछ भी इसमें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन करिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, हम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और बाकी का इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।